हेलो एवरीवन, मैं बात करने वाला हूँ डेल्टा की VFD की प्रोग्रामिंग और ट्रबल शूटिंग फॉल्ट फाउंडिंग के बारे में, जितने भी एरर्स हैं उनके बारे में, ठीक है। और अगर आपकी कोई इंक्वायरी है तो आप मेरे को मेल कर सकते हैं। मेरी मेल आईडी है incashsales1@gmail.com। और मैं आपको VFD के जितने भी VFDs हैं उनके सबके एरर, फॉल्ट फाउंडिंग और ट्रबल शूटिंग की वीडियोज़ बनाने वाला हूँ, ठीक है। और मैंने एक बहुत अच्छी बुक का लिंक दिया हुआ है नीचे डिस्क्रिप्शन में, आप उस बुक को परचेज करके आप इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन और VFDs को सीख सकते हैं। बहुत अच्छी बुक है, मैंने भी पढ़ी हुई है। डेल्टा की VFD का एक एरर है PHL, ठीक है। एरर का जो कोड है वो PHL है और एक्चुअल फेज लॉस है, ठीक है। तो एक्चुअल में VFD में थ्री इनपुट होते हैं, ठीक है, थ्री इनपुट होते हैं, ठीक है। तो उसमें से क्या है, कोई एक इनपुट जो है वो नहीं आ रहा है प्रॉपर, ठीक है। तो उसकी वजह से फेज लॉस का एरर आ रहा है, ठीक है। और अगर मे बी ऐसा हो सकता है, ठीक है, मतलब जो फ्यूज़ है, फ्यूज़, ठीक है, अगर छोटी VFD है तो उसमें फ्यूज़ लगा होता है, ठीक है, और जो फ्यूज़ भी ब्रेक हो सकता है उसकी वजह से भी आ सकता है। वैसे नॉर्मली होता क्या है कि एक फेज़ लॉस हो जाता है तो VFD की पावर भी ऑन रहती है, VFD रन भी करती है, लेकिन जब लोड जाता है और वो कैलकुलेटिव वैल्यू जो है DC वोल्टेज की वो उतनी नहीं होती, तो देन ये एरर आता है फेज़ लॉस का, ठीक है। तो इसको एरर को के लिए आपको सिर्फ करना यही है कि आप एक बारी चेक कर लो, ठीक है, कि एरर है क्या, सॉरी आप एक बारी ये चेक कर लो कि जो हमारी वायरिंग है वो प्रॉपर है कि नहीं है। मे बी कई बार ऐसा होता है कि कनेक्टर ख़राब है, तो कनेक्टर भी चेक कर लो, कनेक्टर भी ख़राब हो सकता है, इनपुट कनेक्टर्स, ठीक है।